इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग द्वारा आयोजित जीतो अहिंसा रन मैराथन का आयोजन रविवार को सुबह सेंट ओर्सुला हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया। नागपुर से करीबन 5000 प्रतिभागियों ने इस अहिंसा दौड़ में हिस्सा लिया। आयोजन एक साथ देश भर के 65 शहरों और विश्व के 22 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के सभी समाज के स्त्री पुरुषों ने 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भगवान महावीर के विचार और संदेश आज विश्व भर में प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताए गए अहिंसा के सिद्धांत और मार्ग पर ही समस्त मानव जाति का कल्याण संभव है। जैन समाज हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। उप मुख्यमंत्री के हाथों कार्यक्रम के अंत में हर वर्ग के विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह मैराथन विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए जीतो की लेडीज विंग द्वारा अहिंसा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। डिविजनल कमिश्नर विजय लक्ष्मी बिद्री जी, श्री राधा कृष्णन जी, श्री विपिन इटनकर जी, श्री अमितेश कुमार जी, श्रीमती प्रगतिताई पाटिल, श्रीमती परिणीति फुके, मंचासीन सभी महानुभाव और इस अहिंसा रन में जिन्होंने सहभाग लिया, ऐसे सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने, एक इतिहास का हिस्सा बने। जैसे कि बताया गया कि ये जो अहिंसा रन है तकरीबन 65 शहरों में और 23 देशों में एक साथ लाखों लोग अहिंसा की शपथ लेकर दौड़े और गिनीज बुक ने इसको एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर ये रिकॉर्ड तैयार किया है, इसलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान महावीर जी ने अहिंसा का मंत्र दिया और न केवल मनुष्य बल्कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों को भी जीने का अधिकार है। इस बात को हमारे बीच स्थापित करने का काम ये भगवान महावीर जी ने किया और आज दुनिया मानती है कि भगवान महावीर जी का जो विचार है वही विचार दुनिया को आज बचा सकता है। हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से हमने संसाधनों का विनाश किया, जिस प्रकार से हमने हमारी धरती का शोषण किया, इसके कारण आज कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं से अगर हमें बाहर निकलना है और फिर एक बार हमारी धरती मां को बचाना है तो भगवान महावीर के विचारों का पालन हमको करना पड़ेगा। और केवल संसाधनों का शोषण करना ये भी हमें बंद करना होगा। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।